नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि में आज गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। उन्होंने मां भगवती के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं और 1 भैरव की पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने हाथों से भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनकी विदाई की। इस दौरान मंदिर में पहुंची अन्य कन्याओं को भी उसी श्रद्धा भाव से भोजन कराया गया और विदाई की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है, इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन का विधान है। शारदीय नवरात्रि की आज नवमी तिथि है। देवी स्वरूपा 9 कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में पर्व और त्योहारों के महत्व को रेखांकित करने वाला यह आयोजन मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्वाभाविक रूप से सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में इसे सर्वोच्च महत्व दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज फरुखाबाद दौरे पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह रहेंगे। 12:30 बजे राजपुताना पब्लिक स्कूल के सामने क्षत्रिय भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके बाद विकास नगर बड़पुर में विश्व क्षत्रिय परिषद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह के आवास पर मंत्री पहुंचेंगे। LY डिग्री कॉलेज में स्वागत समारोह में एवं कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सिरसागंज के लिए रवाना। हरदोई के बघौली इलाके में पूर्व होमगार्ड और उनकी पत्नी की हत्या के तीसरे आरोपी और 25,000 के इनामी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। इस घटना में 2 आरोपी आज ही पुलिस की गिरफ्त में आए थे, जिन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया। वहीं घायल आरोपी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि उसके पास से पुलिस को 1 तमंचा, 2 कारतूस, 1 खोखा और 1 बाइक भी बरामद। विगत सप्ताह थाना बघौली में एक सनसनीखेज डबल मर्डर हुआ था, एक वृद्ध दंपति का। उसका आज दिन में ही खुलासा करते हुए पुलिस टीम द्वारा 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के हत्या की गई थी। इस खुलासे के लिए पुलिस की टीम को 25,000 रुपए इनाम दिए गए थे। यह पता लगा पूछताछ में कि इनका एक अन्य साथी था कन्हैया, जो कैतरौली का रहने वाला है, वो भी घटना में साथ था और फरार था। उसी गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आज शाम को सूचना प्राप्त हुई मुखबिरों द्वारा कि यह जो है संडीला की तरफ से हरदोई जाने के फिराक में है और संभवतः ट्रेन से बैठ के भाग जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेठी में नवरात्रि के 8वें दिन विशाल जगराता का आयोजन किया गया। यह आयोजन उद्योगपति राजेश कुमार अग्रहरी की ओर से किया गया। वहीं रामलीला समिति की ओर से अमेठी में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आज ये रामलीला समिति द्वारा आयोजित और राजेश मसाला परिवार द्वारा स्पॉन्सरशिप के तहत माता का जगराता का कार्यक्रम किया गया है और इसके साथ साथ राजेश मसाला परिवार की तरफ से राघव राम सेवा संस्थान के माध्यम से 5 गरीब, असहाय और पीड़ा से ग्रस्त, बीमारी से लाचार व्यक्तियों की मदद की गई है। वाजिद अली प्राणी उद्यान में दर्शकों के लिए आए दिन निराशा हाथ लग रही है। पहले सफेद टाइगर लखनऊ से कानपुर भेजा गया, फिर एक हिरन का बच्चा मर गया जिसकी कोई जानकारी चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई और आज भी लगातार पहले के जैसे एक भालू को लखनऊ प्राणी उद्यान से गोरखपुर भेजा गया। ऐसे में अब दर्शकों के लिए कुछ खास देखने को नहीं बचा है। अब अगर जांच हुई तो कई फॉरेस्ट अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारियों पर तलवार लटक सकती है। श्रावस्ती में SSB 62 बटालियन ने फिट इंडिया अभियान चलाया। भारत नेपाल सीमा पर बसे इलाके से इसकी शुरुआत की। बच्चों में शिक्षा, शारीरिक फिटनेस और खेल की समझ को विकसित करेगा यह अभियान। बता दें कि SSP कमांडेंट रविंद्र कुमार राजेश्वरी के नेतृत्व में फिट इंडिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें SSP जवानों के साथ सुबह स्थानीय नागरिक और बच्चे भी दौड़ लगा रहे हैं।
श्रावस्ती में नवरात्र अष्टमी को महागौरी पूजा संपन्न हुई। पूजा पंडाल में देर रात तक महाआरती की गई, जिसमें माता रानी के सैकड़ों भक्त उमड़ पड़े। महिलाएं घर से आरती का थाल सजाकर पहुंची। इसके साथ ही महागौरी की आरती के बाद सबसे सुंदर सजी थाली को सम्मानित भी किया गया। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।